छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में शनिवार को उत्कृष्टता अलंकरण एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने समारोह में वर्ष 2022 के लिए उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित श्रीमती संगीत सिन्हा और श्रीमती रंजना दीपेंद्र साहू, जागरूक विधायक के रूप में चयनित धर्मजीत सिंह तथा उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार के रूप में चयनित राहुल जैन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देवव्रत भगत एवं कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव को शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। पंचम विधानसभा का कल सत्र आखिरी सत्र था। रात को 1:30 बजे हम लोग यहां से रवाना हुए और अभी फिर से यहां सम्मिलित हुए। आदरणीय राज्यपाल महोदय के हाथों से उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में, वास्तुकला क्षेत्र में सम्मान अलंकरण किया गया, सम्मानित किया गया। वैसे कहा जाता है कि किसी भी पुरुष की सफलता में महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की सफलता में भी पुरुष का हाथ है। तो इसलिए आदरणीय सिन्हा जी को, आदरणीय साहू जी को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आदरणीय साथियों, आज तो विदाई का समारोह है। 5 साल बहुत उतार चढ़ाव के साथ हमने देखा, वैश्विक महामारी भी का सामना हम लोगों ने किया और उस बीच में भी हमारे विधानसभा के कार्रवाई चलती रही और विधानसभा अध्यक्ष को विशेष रूप से इसलिए बधाई कि विधानसभा की कार्रवाई में सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान उन्होंने रखा। ग्लास से पार्टीशन कर दिए थे, सैनिटाइजर का उपयोग, तो स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान उन्होंने रखा और उनके अध्यक्षता में हम लोग विधानसभा में सत्ता पक्ष अपनी योजनाओं कार्यक्रमों को लेकर सदन में अनेक ऐसे प्रस्ताव लाए जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। वहीं विपक्ष के साथ ही आक्रामक मुद्रा में लगातार शासन की कमियों को सदन के माध्यम से उजागर करते रहे और मुख्य रूप से उद्देश्य यही है, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे और भी हमारे बहुजन समाज पार्टी, जोगी कांग्रेस, निर्दलीय साथियों के द्वारा भी लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए उद्देश्य तो यही कम, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए सब मिल के काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ बने 23 साल हो गया। विकास के अनेक सोपान छत्तीसगढ़ में गढ़े हैं और साथ ही विधानसभा में एक से एक परंपराओं और नियमों का कीर्तमान स्थापित किया और देश में विभिन्न विधानसभाओं में अपनी उत्कृष्टता सिद्ध किया। इसलिए विधानसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, विधानसभा सचिवालय को और सभी ट्रेजरी बेंच के साथियों को और विधायकों को बहुत बहुत बधाई। संसदीय कार्य मंत्री जी लगातार विपक्ष के आक्रमण को मुस्कुराते हुए, कितना भी आक्रामक हो जाए, बृजमोहन जी, अजय जी, श्री रतन जी, सौरभ जी, लेकिन जब चौबे जी मुस्कुरा के खड़े होते थे तो उनका गुस्सा शांत हो जाता था। तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने दायित्वों का बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन किया, इसके लिए उन्हें भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और ये विदाई की बेला है। राज्यपाल महोदय को भी हम लोगों उनका आशीर्वचन लेना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा और न कहते हुए सभी साथियों को बधाई शुभकामना देते हुए और अंत में आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने अपने पितामह के पुस्तक का विमोचन कराया, जो कारावास हुई थी उसकी कहानियां, आजादी के दीवानों की कहानियां इसमें संग्रहित है। इसको आज
राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उसे विमोचित किया, उसके लिए भी उन्हें बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़।